जन्मेजय श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए कौन है? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी है, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है? यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है, क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षय स्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असह्य है। अपने बराबर वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेव का पुत्र कृष्ण, ये दोनों हैं पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ, तनिक दिखाओ तो सही। वह कौन है जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता हो? क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूँ? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो, मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। जरासंध वध और बंधी राजाओं की मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन,
तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजू बंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा, जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ, तदनंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर गुत गए। उन्होंने त्रिणपीड, पूर्णयोग, समुष्टिकी आदि अनेकों दांव पेच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में देव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान है। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे दो खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड-खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खोह से बाहर किया। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौदर्यवान। दो महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी
जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती। इंद्रधनुष की सी चमकती और एक योजन दूर से ही दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणाले भगवान श्री कृष्ण रथ हांक कर गिरिव्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभो, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है, यह आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस रहे थे, आपने हमारा उद्धार किया, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की, हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं, हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठर, चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही, उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभय दान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहां से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। जन्मेजय इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिग्दिगंत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे।